चाहिए, आलू का झोला, इसकी गारंटी, सब्जी की गारंटी। तो आप बताएंगे भैया खाने के बाद में? अच्छा, ये आलू की सूखी सब्जी है, ये आलू की सूखी सब्जी है, ये कद्दू की मीठी है। अच्छा, तो भैया हमने सुना है आप देसी घी की कचौड़ी बनाते हो। हाँ भैया, हमारे यहाँ सभी सामान देसी घी का बनता है। अच्छा जी, राधे राधे भैया। भैया क्या नाम है आपका? ब्रजमोहन वासी। भैया हाथरस वाले हो आप? हम हाथरस वालों के नाम से फेमस हैं। अच्छा अच्छा, मैंने अभी बाजार में था तो मैंने सुना था भाई देसी घी की कचौड़ी यहाँ पे बनाते हैं। तो भैया बताइए थोड़ा क्या प्रोसेस है, कब से दुकान चल रही है आपकी? दुकान हमारी 45 साल से हो गई भैया। तो भाई ये देखिए भैया की कचौड़ी बन रही है अभी, और ये भैया पूड़ी है ना? दाल पूड़ी। अच्छा जी, दाल पूड़ी और कचौड़ी नीचे। अच्छा कचौड़ी, तो ये प्योर सामान देसी घी में मत है? अच्छा भैया, तो भैया रेट क्या है इसकी? ये अठारह रुपये का एक पीस है। 18 का कौन सा? ये 18 रुपये का एक पीस है जी। ये 25 रुपये का एक पीस है। अच्छा, ये 25 रुपये की एक पीस है कचौड़ी, ये 18 वाली है, और ये अभी सिक रही है गर्म गर्म कचौड़ी। भैया एड्रेस बताइए दुकान का। चौगोया मंडी रामदास रोड, हनुमान हाथरस वालों की पुरानी दुकान। तो भाई ये चौगोया मंडी में, और ये भी दुकान है भैया की। और मैं बता दूँ आपको, इनके यहाँ पर पूरा प्योर देसी घी का सामान मिलता है, सारा सामान। रेट भी अच्छी है, पर सामान भी अच्छा, बहुत अच्छा क्वालिटी का सामान है। भैया भी खा रहे हैं। भैया राधे राधे। भैया राधे राधे। भैया कैसा टेस्ट है? ये तो इनकी बहुत पुरानी दुकान है और टेस्ट काफ़ी अच्छा है। अच्छा जी, ये फेमस कचौड़ी वाले हैं, ये हाथरस वालों के नाम से मशहूर है जी भैया। और ये भैया पैक करके जा रही है। भैया थोड़ा सब्जी के बारे में बताइए, सब्जी कौन कौन सी है? ये आलू का झोल है। अच्छा, ये आलू का झोल है, इसकी गारंटी, सब्जी की गारंटी। तो आप बताएंगे भैया खाने के बाद में? अच्छा, आलू की सूखी सब्जी है, ये आलू की सूखी सब्जी है, ये कद्दू की मीठी है। अच्छा भाई, तीन तरीके की सब्जी मिलेगी आपको, और आपको मिलेगी 25 रुपये में एक प्लेट, जिसमें एक कचौड़ी मिले, एक पीस। हाँ, एक प्लेट में एक पीस, जिसमें एक कचौड़ी और तीन तरीके की सब्जी। तो भैया से लेते हैं विदाई और चलते हैं। अगर आप भी आते हो कभी मथुरा में, तो एक बार भैया की दुकान पर ज़रूर पधारें। और ये पैक होकर जा रही है भैया की दुकान से कचौड़ी और पूड़ियाँ। चलते दोस्तों।